कोई भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जर्नी शुरू करना बहुत ज़रूरी होती है। मुझे कई लोग कहते हैं कि वो ये स्टार्ट करना चाहते हैं, वो स्टार्ट करना चाहते हैं, पर वो नहीं कर पा रहे। और मैं टोटली 100% आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने भी ये सब इमोशंस कभी ना कभी लाइफ में फील किए हैं। मैंने भी जब मेरा पहला रिसर्च पेपर लिखा था या पहला यूट्यूब वीडियो बनाया था तो मैं बहुत एंशियस था। और आपको एक सीक्रेट की बात बताऊँ तो वो ये है कि मैं आज भी थोड़ा एंशियस होता हूँ जब मुझे कोई रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना हो या न्यू वीडियो बनाना हो। तो इट इज क्वाइट नेचुरल, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं देयर इज ऑलवेज अ फियर, और वो फियर है अननोन का, कि अननोन चीज, यानी कि हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। पर विश्वास रखिए आगे अच्छा ही होगा। देखिए एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हर इंसान ने लाइफ में कहीं ना कहीं जीरो से ही शुरुआत करी होती है, कहीं से तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए लाइफ में कुछ एडवांटेजेस आपको मिलेंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस आपको मिलेंगे। कुछ चीज़ों में आप नेचुरली गुड होंगे और कुछ चीज़ों में आप नेचुरली बैड होंगे। पर नदी के किनारे खड़े रह के स्विमिंग नहीं सीख सकते। स्विमिंग सीखने के लिए नदी में या स्विमिंग पूल में जाना पड़ता है, और इसीलिए आपका पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप शायद आप गलत भी ले ले, पर वो पहला स्टेप लेना बहुत जरूरी है। देखिए जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले चार पैर पे चलता है, फिर दो पे, और फिर दौड़ना शुरू करता है। उसी तरह लाइफ में भी हम धीरे धीरे चीजें सीखते हैं। और ग्रीक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने ये कहा है कि इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ राइटर देन राइट, यानी कि यदि आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो आप लिखना शुरू करिए। पहले दिन आप 200 वर्ड लिखिए, फिर 300 वर्ड लिखिए, फिर 500 वर्ड लिखिए, पर लिखना शुरू करिए, तभी आप राइटर बन पाएंगे। यदि क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट खेलना शुरू करिए। और हमारे कंट्री की एक अमेजिंग चीज़ यदि मैं आपको कहूँ तो वो ये है कि जब भी आप कुछ शुरू करेंगे तो कई लोग आएंगे आपकी मदद करने। यस, ये हमारे कंट्री में एक बहुत ही यूनिक सिनेरियो है। फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटी सी दुकान ओपन करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि आपके नजदीक के लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। ये चीज हमारे कल्चर में इनबिल्ड है। हाँ, एक्स्ट्रा की सलाह भी देके जाएंगे और थोड़े बहुत ताने भी देके जाएंगे, पर फिर भी आपकी मदद करेंगे। और आप जब भी कुछ नया शुरू करेंगे तो जरूरी नहीं है कि उस इंडस्ट्री के बारे में आपको सब कुछ पता हो पहले से और फिर ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, आप उस इंडस्ट्री में जाइए और धीरे धीरे आपका काम ही आपको चीजें सिखाता जाएगा। आप गलतियां भी करते जाएंगे, सुधारते भी जाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए द फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ बातें करने से काम नहीं बनेगा दोस्तों, फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। एंड अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर।